नमस्कार दोस्तों, CTET जो कि 7 जुलाई 2019 को सभी परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित हो चुका है और आप सभी के एग्ज़ाम आशा करता हूं अच्छे गए होंगे। और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों ने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी आंसर की जारी की गई थी उससे अपने क्वेश्चंस को मैच भी कर लिया होगा। अभी आप लोगों को बस एक इंतज़ार है और वो है ऑफिशियल आंसर की का, ऑफिशियल आंसर की जो कि CTET की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होती है। लेकिन अभी सभी का यही सवाल है कि कब रिजल्ट आएगा और कब ऑफिशियल आंसर की आएगी। तो ज़्यादा वीडियो को आगे ना लेते हुए आपको मैं डायरेक्ट बताना चाहता हूँ कि ऑफिशियल आंसर की के बारे में जो भी न्यूज़ मेरे पास है वो मैं आपको दिए देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छे लगे तो उन्हें लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की के बारे में जो न्यूज़ है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार 7 जुलाई को देश भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित हुई। ज़्यादातर परीक्षार्थियों का कहना है कि पेपर आसान था लेकिन लंबा था। अब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र की आंसर की का इंतजार है जो कि कुछ दिनों के बाद जारी की जाएगी। रिजल्ट करीब 1.5 माह बाद जारी होगा। ध्यान दें इस बात पर, रिजल्ट होगा आपका 1.5 माह के बाद जारी। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आंसर की करीब 3 सप्ताह बाद जारी हो सकती है। तो 3 सप्ताह के बाद से आप अंदाजा कैसे लगाएंगे? आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, जो कि फर्स्ट वीक में था जुलाई के, तो उसमें 3 सप्ताह अगर ऐड करेंगे तो आपका 21 से 27 के बीच में जो वीक है उसमें आपकी आंसर की आ सकती है इस अंदाजे से। उससे पहले भी आ सकती है और उसके आगे भी बढ़ सकती है। वो आपको CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है जो CTET की, उस पर आपको मालूम चलता रहेगा धीरे धीरे, या फिर जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगे आपको मैं वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है CTET.NIC.IN। उस पर रिजल्ट और जो भी आगे करेस्पोंडेंस होगा उसके बारे में जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वेबसाइट को आप नियमित रूप से विजिट करते रहें। और जो विशेषज्ञ हैं सुमित ओझा, उन्होंने कहा है कि प्रश्न वस्तुनिष्ठ और कॉन्सेप्ट आधारित थे और कुछ सवाल उलझाऊ भी थे, तो ऐसे में जिन लोगों ने सही से तैयारी की होगी वही लोग इस बार सफल हो पाएंगे। दोस्तों, CTET की ऑफिशियल आंसर की के बारे में जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आप तक पहुँचाई। तो अभी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सब्र अपना ना खोएं, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आप लोगों को पहले से पहले इन्फॉर्म किया जाएगा मेरे वीडियो के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।